नमस्कार फ्रेंड मैं हूं आपका दोस्त राजपाल कुमार और आप देख रहे हैं टेस्टिंग बाबा तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो कि आपको आ, आपके डी जी आई पॉकेट को आराम से माउंट कर सकता है आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगे वो है एक माइक्रोफोन का स्टैंड और ये स्टैंड मैंने अमेजोन से लिया है और जब लेते वक्त आप ये ध्यान रखें कि बेस्ट सेलर कौन सा है नहीं तो बहुत सारा पार्ट्स सा आपको नहीं मिलेगा तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं मैं अपना डी जी आई पॉकेट को यूज करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए तो ये स्टैंड सबसे चीप सबसे सस्ता में ये डी जी आई पॉकेट के लिए कंफर्टेबल है तो एक्चुअली ये तो माइक्रोफोन का स्टैंड है लेकिन आप इसे डी जी आई पॉकेट को माउंट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से वो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो दोस्तों ये हमारा पैकेट है जो कि अमेज़ोन से रिसीव हुआ है और अभी ये चारों तरफ से पैक है आप देख सकते हैं आ, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि इसका पैकेजिंग ठीक है मैं पिछला बार मंगाया था तो वो नॉर्मल सा प्लास्टिक में जो आता है अमेज़ोन का उसमें पैक करके दे दिया था तो आप ये श्योर कर लें कि आपको इसी तरह का पैकेट मिले अगर आप मेरे दिए गए प्रोडक्ट के लिंक से ख़रीदेंगे तो आपको इसी तरीका का पैकेट मिलेगा क्योंकि जिस सेलर से मैंने ख़रीदा है उसी सेलर का लिंक अमेजोन पे मैं आपको दे दूंगा तो चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं ऐसे क्या होता है कि थोड़ा सा भारी सामान होने के कारण सेफ़ होता है इस तरह का पैकेट में तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या है तो दोस्तों तो ओपन करते के साथ हम लोगों को कुछ इस प्रकार का ये मिला है बॉक्स उसमें हमारा ये स्टैंड और उसका एक सेट करने का टेबल में सेट करने का स्टैंड या जो भी बोले उसके बाद ये हमारा माइक्रोफोन का स्टैंड दोस्तों तो मेरा सारा प्रोडक्ट आया पिछला बार क्या हुआ था दोस्तों कि मैंने दूसरा ये मंगाया था तो उसमें मतलब कि हमारा एक ये दोनों मिसिंग था तो उससे कंप्लीट नहीं हुआ तो आप मेक श्योर sure करें कि इसी लिंक से आप मंगाएं ताकि आपको सब कुछ आसानी से मिल जाए तो चलिए ये हमारा सबसे पहला पैकेट में मिलता है ये भी पैक है इसे हम ओपन कर लेते हैं और मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा, ओके और ये जो है हमारा टेबल में फिक्स होगा हाँ ओके तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ फटाफट से इसकी लेंथ की बात करें ओके धीरे धीरे आराम से करना है ये देखिए कुछ इस प्रकार का है और ये तीनों हमारा मेन प्रोडक्ट है अब मैं इसकी अगर लेंथ की बात करूँ तो आपको मैं लेंथ बता देता हूँ कितना लेंथ आपको मिल जाएगा दो फीट मैं इसे ढाई फीट बोल सकता हूँ या फिर सत्तर सेंटीमीटर ओके इसको मैं लगा लेता हूँ इसको इस तरीका से टेबल में फिक्स करना है ओके तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अब देखते रहिए बस और इसके बाद मैं इसे यहाँ पर ले जाता हूँ और इसे नीचे यहाँ से कस देता हूँ तो ये हमारा इसमें फिक्स हो चुका है मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसे इस तरीक़ा से आपको दिखा रहा हूँ और ये जो है इसे, इसे <Zutup Esto shows> मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे इसे इस तरीका से लगा देता देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका लुक है आप देख पा रहे होंगे ये देखिए स्टैंड इस प्रकार से लगा हुआ है और टेबल में कुछ इस प्रकार से फिक्स हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ, मैंने ये जो इसका टाइट करने वाला है इससे मैंने इसे घुमा घुमा कर आ, टाइट कर दिया है और ये टेबल में इस प्रकार से चिपक गया है और यहाँ पे ये जो है इसे आप मूव करके आप इसे इस इसको अगर करेंगे तो ये ढीला हो जाएगा और ये निकल जाएगा और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ इसे ढीला करके आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसे आ, फिक्स कर सकते हैं तो इसमें एक अच्छी बात है बहुत ही अच्छा बात है अगर आप मोबाइल फ़ोन के लिए लेते हैं तो उसका दूसरा सेटअप आता है तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा सबसे बढ़िया वाला लिंक वहाँ से आप स्टैंड वाला ख़रीद सकते हैं इसमें माइक फिक्स कर सकते हैं और इसमें माइक क्या फ़िक्स करने वाला हूँ ये आपको बताता हूँ क्यों मैंने लिया है मुझे माइक फिक्स नहीं करना है मैं अभी ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ डी जी उसमें पॉकेट से शूट कर रहा हूँ एक्शन कैमरा से तो मैं एक्शन कैमरा को ही इसमें माउंट करने वाला हूँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ डी जी आई पॉकेट को कैसे फ़िक्स करते हैं इसमें आ, दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डी जी आई पॉकेट है और ये मैंने स्टैंड अभी आपको दिखाया ही तो इसमें मैं इसको फिक्स करने वाला हूँ क्योंकि मैं क्या करूँगा इसी से अनबॉक्सिंग का वीडियो इसी से बनाने वाला हूँ इससे अच्छा रिज़ल्ट मेरे को डी एस एल आर फ़िक्स करना बहुत ही टेंशन है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है बहुत अच्छा सेटअप चाहिए तो मैं फिलहाल अभी एवल नहीं हूँ उतना अच्छा सेटअप करने के लिए तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा मैं इसमें माइक माइक्रोफोन भी यूज कर पाऊँगा और ये इसे मैं फिक्स करूंगा और इसे मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊंगा ये देखिए मेरा डी जी आई ओस्मो पॉकेट इसमें माउंट हो चुका है अगर आप डी जी आई ओस्मो पॉकेट का छोटा सा भी माउंट लेते हैं तो उसमें आपको जो है कि आ, बहुत ज़्यादा पेमेंट करना होगा लगभग दो हज़ार या तीन हज़ार या पच्चीस सौ के आसपास से कम में कोई इसमें सामग्री इसका नहीं आता है तो मैंने इसे अपना ये सेट किया कैसा लगा ये आपको आइडिया यह आप ज़रूर बताएँ और ये देखिए यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करूँगा तो ये देख सकते हैं डीजे जी आई पॉकेट के आ, आ, स्क्रीन पे कि बिल्कुल क्लियर रिकॉर्डिंग इसमें हो रहा है फोर के क्योंकि ये फोर के सिक्सटी तक करता था तो दोस्तों आप इसे डी जी आई पॉकेट के माउंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन को भी माउंट कर सकते हैं तो उसका भी अडोप्टर आता है अलग से तो वो भी मैं लिंक आपको दे दूंगा ओके तो वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म अगर दोस्तों इसके बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ में बात करें तो इसका बिल्ड क्वालिटी मेटल का है अच्छा पे, पेंटिंग कोटिंग अच्छा है और अच्छा है एल्यूमियम एली का बोल सकते हैं और इसका ब्रांड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है घसटा हुआ लेटर में जो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों इसी तरह के मजेदार कंटेंट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें आपका अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत